रसूलपुर गांव है, खेतरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ का माहौल देखेंगे कि किसकी ओर जा रहा है। आप पूछते हैं यहाँ पे जो एक मीटिंग है, लोग बैठे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि किसको वोट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे। राम राम जी अंकल जी। राम राम जी। तो गाँव रसूलपुर का है। तो अंकल जी, अब आपने वोट आ रहा है खेतरी विधानसभा क्षेत्र का, तो किन्ने वोट दोगे या कि को के माहौल चल रहे? अच्छा, हम तो धर्मपाल को जाग रहे भाई। अच्छा, धर्मपाल जी। हाँ, धर्मपाल में वोट जाएंगे और धर्मपाल को माहौल जाग रहे। अच्छा, तो बाकी और जय मंत्री जी जो मालूम घूम रहे हो, मनीषा जी पटेल माहौल जो हमने जब बताया, और धर्मपाल धर्मपाल जी को माहौल। और अंकल जी किन्दो का वोट? धर्मपाल जी जान साहब। अच्छा, धर्मपाल जी ने हाँ। और तो माहौल भी बिल्कुल है तगड़ो। अच्छा, माहौल मडाणी के माह में टोटल धर्मपाल जी का है। अच्छा, मनीषा जी एक ही होगा, 5-7 साल। अच्छा, 5-7 साल। मनीषा जी घूम रहे हैं भाई। बाकी 20% बाकी तो राम राम जी। राम राम। कौन सा गाँव होता है? गाँव मेरा डाणी मोटू जी है। तो किन के वोट दे रहे? वोट धर्मपाल नेता जी दे रहा। अच्छा, नेता जी दे रहा। हाँ, मान लिया बड़ा सारा डोलता होगा और कोई के माहौल माहौल सारो सौ किस है जाम नहीं तो पता हो रहा है। बाकी भी नहीं खेती का बाकी भी चले जाएगा पर माहौल
पहली तो मैं खुद कह रहा भाई मिट्टी को बड़े भी कह रहा कि पहले मैं 15 साल में तानू खूब हराए लेकिन अब कतान जीता हूँ। चार मेरी डोला साहब हर ढाणे में हर गांव में जीत जब तो आया जनता को जोश दिखने ना ये जोश बरकरार 25 तारीख तय रखो तो शायद हिंदुस्तान में एक MLA की अति बड़ी जीत होगी। मतलब खेतरी सबसे बड़ी जीत हो रही है राजस्थान में खेतरी तहसील में सबसे बड़ी जीत मान रहा जी मैं तो मतलब करके वोटा से जीत हो रही है और कितना सर्व समाज या मान्य बेहतरीन रिपोर्ट।
20% मान लेने पार्टी खड़े हो गया बरोबर वोट धर्मपाल जी का 80 लाख वोट बोलो ना 12 अनुमान से 1 लाख 80 हजार गलत वोट बोलो ना 12 से 1 लाख 75 करम्पाल एक किलो कर रहे हैं और 80 85 60 हजार वोटों की जीत हुई पर टक्कर थोड़ी हुई जो जितना 2-3 चुनाव आ रहे हो अब ये वोट पार्टी का करेंगे सिर्फ हमदर्दी का लोगों का ये कि उम्मीदवार 20 साल से लड़ रहे जनता का भाई इतना नेक इंसान है सभी का पब्लिक कांग्रेस पार्टी बीजेपी कोई पार्टी नहीं है अब तो एक हमदर्दी का वोट है75% और बाकी के जो बचे 25% उसमें ये अपने अपने बांट लेंगे। उमरिया हो गया, पूर्ण जी हो गया, मनीषा जी है, ये सब बिल्कुल तय पक्की है। और कम से कम भी 20-30 हजार वोटों से लीड, 20-30 हजार वोटों जनता ने मानस बनाया है आपकी बार की किसी भी हालत में। और हर गांव में बच्ची, हर गांव में
एक बार क्या है, जनता उसकी कार्यशैली देखना चाहती है। कि किसी भी तरह इसको देखेंगे, सबको देख लिया हमने। कोई पैसे के लालच दे रहा है, कोई अपना बिजनेस का दिखावा कर रहा है, पर इसके पास जनता की हमदर्दी है और जनता की सहानुभूति है, उसके हिसाब से जनता का। देखो 3-4 साल हो गई, अगर ये लोग कोई इसके अंदर कमी बताता है तो 3-4 साल 30 साल हो गई इसको यहाँ खेतड़ी तहसील में। एक बंदा भी कोई ये कह के बता दे कि ये धर्मपाल ने ये किया या इसमें ये कमी, एक बंदा बता दे कोई खेतड़ी तहसील में, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने अपने अपने विपक्ष की अफवाह बना रखी है। बाकी का नजारा आपके सामने 25 तारीख वोटिंग होगी, तब 3 तारीख को रिजल्ट में हो जाएगा। मान लो कि चार अंदाजा से तो एक नंबर बिल्कुल, एक नंबर बिल्कुल। और इसमें कोई जात पात का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, सभी जाति पाति सभी धर्म सब एक साथ, मतलब 36 बिरादरी 36 बिरादरी सर्व समाज साथ होकर वोट दे रहे हैं। बिल्कुल। मैं खोखड़ा गांव से हूँ और मैं बोला धर्मपाल जी के भरपूर वोट हैं और हर गांव में हर जाति के सबके वोट एक्समैन, और हमारे तहसील के अंदर 10,000 एक्समैन है। वो इनसे वादा किया है कि आप हम सबको पूरे वोट देंगे। एक्समैन जो भी है वो सब धर्मपाल के वोट देंगे और अच्छे वोटों से जीतते जाएगा। कम से कम 30,000 से वोट देंगे, 30,000 वोट जीतेगा। बाकी और तो ये और इसके नीचे रह जाएंगे सब। इनकी लड़ाई सर सेकंड की है, सेकंड की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मनोज घुमरिया बोलता है कि मैं सेकंड रहूंगा और मनीषा बोलती है कि मैं सेकंड रहूंगा। इनकी लड़ाई ये इन दोनों के बीच तो सेकंड की लड़ाई, सेकंड की लड़ाई सुन रहे हैं कि हमारे को सेकंड। जनता ने अपना निर्णय कर दिया है, जनता मैं देखते हैं तो मान लो घुमरिया जी तो बोल रहे हैं कि मेरी जीत है, मनीषा जी बोल रहे हैं। देखो मैं आम जनता की मुंह से बोल रहा हूं। देखो सर मैं एक बात बताता हूँ, मैं आज अगर मैं यहाँ कैंडिडेट बन के आता हूँ तो मैं तो मेरे साथ अगर 5-10 आदमी हो जाते हैं तो हम तो यही बोलेंगे साहब मैं चुनाव जीतूंगा। ये सब कोई कैसे करेगा, कोई कैसे करेगा, पर मैं चुनाव जीतूंगा, ये मनोबल है। और इसको मनोबल की भावना देखो, जिसको खाने को मिल रहा है ना वो आपको चढ़ा के रखेंगे। आप कैंडिडेट हो जाओ आपको चढ़ा के रखेंगे, नहीं सर आप जीत रहे हैं उधर से भी जीत रहे हैं, उधर से भी जीत रहे हैं। बाकी का आप जनता में आप निकल के दौड़ रहे हैं, आप हमसे ज्यादा आप जानते हैं। जहाँ भी मिलोगे आपको यही रिपोर्ट मिलेगी, इसमें किंतु परंतु नहीं। और अब रिजल्ट आने के बाद आप मिलिए दोबारा, आपके सामने वही सच्चाई निकलेगी। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार के बारे में इससे ज्यादा क्या कहें, जो इंसान की सबसे बड़ी एक बेरोजगारी है। नए लड़के पेपर लीक हो जाते हैं, एक इज्जत आबरू वाला आदमी है उसकी बहन बेटियों की इज्जतों पे अत्याचार हो रहा है, भट्टियों में झोंक रहे हैं। उस कांग्रेस सरकार का तो मतलब ही नहीं है। सुप्रा साहब तो आप मान लो कि हैदरी तहसील में पहला जो विधायक तो बंद टिकट, देखो अगर डॉक्टर साहब को टिकट मिलती तो डॉक्टर साहब इस चुनाव में रंग ला सकते। इन धर्मपाल जी और डॉक्टर साहब इनका टक्कर का चुनाव, डॉक्टर साहब ने काम भी किए हैं और सराहनीय काम थे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कोई कैसे कहेगी सड़क फूटी पड़ी है, ये कोई 5 मिनट का तो काम है नहीं सर, ये सड़क तुरंत बना दी, हर जगह है सड़क भी बन रही है, आपके सामने काम चालू है सड़क। ये तो सरकार बड़ा काम है साहब होते होते हो। बाकी का डॉक्टर साहब का भी बहुत अच्छा काम था, और डॉक्टर साहब अगर चुनाव में होते तो चुनाव में अब तो एक तरह से एक तरफा माहौल हो गया सर, एक तरफा माहौल हो गया। बिल्कुल, डॉक्टर साहब को टिकट ना मिलने से बिल्कुल बिल्कुल एक तरफा माहौल हो गया। जहां हम विपक्ष के लिए वोट मांगने जाते थे अब जाने की जगह ही नहीं है, वैसे ही घूम रहे हैं। अब ये 5-4 आदमी खड़े, चलो यार इनके पास ही खड़े हो जाते हैं, इसलिए यार जाते हैं वही साहब। हम तो खुद सपोर्ट में डोल रहे हैं धर्मपाल जी की, तो जाए कहां। अगर डॉक्टर साहब होते तो चुनाव में रोमांचक देखने को होता, और बिल्कुल बराबर की टक्कर लेने बिल्कुल साफ टक्कर साहब ही थे। बिल्कुल बिल्कुल, इसके डॉक्टर साहब जो सिवाय इस क्षेत्र की तहसील में धर्मपाल जी की टक्कर में कोई कैंडिडेट है ही। डॉक्टर साहब को टिकट ना मिलने से बहुत बड़ा फायदा हुआ धर्मपाल जी को। अरे साहब बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जिनके पैर पकड़ पकड़ के हम थक गए थे वो अपने आप झुक के धर्मपाल जी की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, जरूरत ही नहीं पड़ रही मेहनत करने की, ये हो रहा है। बहुत धन्यवाद सर आपका। राम राम जी, राम राम साहब। गांव कौन सा है?
ये ग्राम पंचायत रसूलपुर। अच्छा, ग्राम पंचायत रसूलपुर। हाँ जी। तो साहब वोटा वाटा के वोटा को माहौल बता रहे हैं मनीषा जी को। अच्छा, मनीषा प्रधान को। अच्छा, मनीषा जी उतार रहे हैं। तो गांव में कितना के वोट दी मनीषा जी? मनीषा जी ने वोट मिलेगा 500-600। अच्छा, 500-600। मान लेगी 100% में कितने परसेंट वोट जाएंगे? 60% पोलिंग हो सी। अच्छा, 60% पोलिंग, टोटल 60-65 के लगभग पोलिंग होगी। इसके अंदर मनीषा जी को 50% वोट मिलेगा। बाकी घुमरिया, मनोज घुमरिया, धर्मपाल गुजर, और 2-5-10 वोट पूर्णमल सैनी को भी मिलेंगे। और एक हमारा कैंडिडेट यहाँ कपिल जाएंगे, तो उसको भी 50 वोट मिलेंगे। अच्छा, कपिल जांगिड़ निर्दलीय खड़ा है। कपिल जांगिड़, कपिल जांगिड़ क्या है, जांगिड़ समाज से है और हमारे परिवार का ही बच्चा है, इसलिए परिवार वाले करीब जाएंगे, वोट जाएंगे। तो मान लो कपिल जांगिड़ जी कितना के वोट देते? अब देखो, अब वोटर का पता नहीं लगता होगा कि जान क्या है कि ज्यादातर मनीषा का है। अच्छा, मनीषा जी का मनीषा का है। दूसरे नंबर पे धर्म जी, तीसरे पे घुमरिया, चौथे नंबर पे कपिल जंगल आएंगे। अच्छा, और पूर्णमल सैनी को 10-15 वोट मिलेंगे। अच्छा, गांव से 10-15 वोट मिलेंगे। हाँ, वैसे इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। अच्छा, ताल में मिल जाएंगे 10-1 वोट, तो 10-15 यहाँ से मिल जाएंगे। तो कई कई मान लो कई मिलेंगे पाएंगे गाँव मासक कौन जीतता है? लीड मनीषा प्रधान लेगी। अच्छा, मनीषा जी प्रधान लेगा, बिल्कुल। अच्छा, तो मनीषा प्रधान के वोट हैं जो कांग्रेसी परंपरागत वोट हैं वो मिलेंगे। अब वो ओपन में तो कहीं भी हो, बाकी साइलेंट वोट जाएंगे और मनीषा को जाएंगे, बहुमत से मनीषा निकलेगी। तो मान लेते हैं बीजेपी से खड़े हो रहे धर्मपाल जी, इनको के रंग में खड़े हो बहुमत? अब देखो, धर्मपाल जी को भी मिलेंगे, जेहरवा में धर्मपाल जी को ज्यादा वोट मिल रहे हैं। अच्छा, ताल में मनीषा जी को ज्यादा मिलेंगे। हाँ। और मनीषा जी को मोटू में मनीषा जी को 50% वोट मिलेंगे। हाँ। गांव में 50% रहेंगे बूरका और जेहरवा की डाणी, इनमें धर्मपाल जी आगे। मान लो स्टैंडर्ड पीछे काफी लोग मिला, तो मैं कह रहा जी मान लो कि धर्मपाल जी लीड ले रहा जी। गांव धर्मपाल जी क्या हुआ है, बाकी लीड लाड कुछ नहीं है। अदर कास्ट तकरीबन 60% मनीषा जी के साथ। अच्छा, कास्ट। और 2-3 पहले बढ़िया था धर्मपाल जी का, अच्छा था। मनीषा जी के पास गुजर वोटर बहुत कम थे, बाकी 2-3 दिन के अंदर 40% में पूरी तहसील के अंदर मनीषा को वोट मिल रहे हैं। तो साहब के मैं छोटू राम जांगिड़ हूँ, 3 बार सरपंच रहा हूँ, 1 बार 2015 से 2020 तक सरपंच फोरम का अध्यक्ष रहा हूँ, समाज का प्रमुख व्यक्ति हूँ। और कोई दिक्कत नहीं, जो भी है ये रिपोर्ट आपको बताइए। अच्छा, सच्चाई इसमें। हाँ बिल्कुल, मनीषा को चाहे 50 वोट ज्यादा मिलेंगे मनीषा को। घुमरिया जी के वोट थे जब तक टिकट का असमंजस थे, तब लोग घुमरिया को घुमरिया वोट दे। बाकी मनीषा को टिकट मिलने के बाद में करीब करीब वोटर टूट के और उनका मानस मनीषा की तरफ। मनीषा ने 8 साल प्रधानी की है, मिलनसार लड़की है, और कोई किसी प्रकार का इनके पास भेदभाव नहीं है। चाहे कोई भी जाए, कांग्रेस का या बीजेपी का, किसी भी दल का हो, उनके लिए एक समान है। सभी ग्राम पंचायत में उनका व्यवहार और उनकी शालीनता और सरल स्वभाव के कारण उनको वोट मिल रहे हैं, और उनको साइलेंट वोट बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। साइलेंट वोट ज्यादा ही ओपन में बना रहे। हाँ नहीं, ओपन में भी है। मैं कांग्रेस बीजेपी का ही था, बीजेपी का मैं कार्यकर्ता था। मैं मनीषा के साथ हूँ।
अच्छा मनीषा जी के साथ और मनीषा के साथ मैं ही नहीं खेतड़ी की 50% बीजेपी मनीषा प्रधान के साथ है आज। तो बीजेपी से नाराजगी का मतलब नाराजगी कोई नहीं है, नाराजगी वाली बात नहीं है, नाराजगी कोई बात नहीं। मनीषा जी से क्या 30 साल से घरेलू संबंध है माला राम जी के टाइम से, और इसलिए पहले दादा राम जी से संबंध थे, पिछली बार दिए थे धर्मपाल जी के साथ थे, जान से लगा रखी। अब की बार इन्होंने टिकट मनीषा जी ने कांग्रेस से ले लिया तो हमने भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। अच्छा, हाँ बिल्कुल मनीषा जी, हाँ राम राम जी, राम राम जी। साफ सुन के वोट दे वोट वार्ड साहब मनीषा जी देंगे, मनीषा जी। और नाम देता मेरा नाम बलाराम सियादना है, गुजरा और मनीषा जी को वोट देंगे। मनीषा जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, 8 साल में पर्दा निकाले बहुत, और उनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया, सहनशीलता और सब कुछ बहुत बढ़िया रहा है। वोट मतलब व्यक्तिगत बहुत वोट मिलेंगे उसको, यहाँ से करीब मतलब अच्छी लीड लेके जाएगी मनीषा। तो काफी लोग हैं खेरा जी, मान लो कि गुजर समाज है जो मनीषा जी के साथ, कम बताऊं। नहीं नहीं साहब, गुजर समाज 50% गुजर समाज साथ है साहब, एक फोन कर दिया नहीं तो खैर वैसे हवा तो कैसे भी कर दो, मनीषा जी के साथ मनीषा जी के साथ। तो मैं मान लो कि कितना के वोट गाँव, हाँ यही गाँव है, गाँव की पंचायत से मनीषा जी लीड लेके निकलेगी। प्रॉपर गाँव का रहता है, मैं उसी गाँव में हूँ, मैं गाँव हमारे साहब नमस्कार, शेर जी शेर जी, राम राम जी राम। तारक नगर ड्राइवर कौन है गाड़ी को? अगर धर्मपाल जी मिलती तो बिल्कुल जैसे कांग्रेस ही मिलती हो, डॉक्टर जी से पहले मान लो डॉक्टर जी मैं टिकट ना मिलवा से कितना उसके कुछ पर मनीषा का वोट बढ़ाएंगे, मनीषा का वोट बढ़ाएंगे डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब ही ज्यादा इसको काफी लोग हैं खरे साहब की, जय मान लो कि जय मनीषा जी टिकट मिलवा से एक तरह का माहौल हो धर्मपाल जी को, और अगर डॉक्टर जी मिल तो टक्कर में नहीं 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 साहब ये गलत है, गलत है मनीषा जी वोट नहीं। हम आज 18वां चुनाव है, शुरू से कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस को जुड़े हैं बहुत दिनों। अच्छा मैं मान लू उम्मीदवार ने कुंद्रा में पार्टी पार्टी अगर कोई दिन भी रहती है किसी को भी कोई बात नहीं, किसी को भी मिलती है, किसी को भी टिकट मिलती हम पार्टी को वोट डालते हैं, किसी को मिलती तो आप उस पार्टी को कांग्रेस को वोट। अच्छा यो है तो 6-7 घंटे मनीषा जी प्रधान है जाना, बाकी बीजेपी में काम करा करता है, बीजेपी का कार्य करता था, और अभी जो स्थिति चल रही है व्यक्तिगत लाइसेंस है कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है बोल के, या फिर ज्यादातर फोक्स तो हमारा व्यक्तिगत लाइसेंस है, और ग्राम पंचायत रसूलपुर से लीड करके निकलेगी मनीषा जी। लाइसेंस के हिसाब से पार्टी को छोड़कर मनीषा जी को दे। तो उसके नाम नरेंद्र सिंह है, राजपूत समाज से रसूलपुर का। अच्छा राजपूत समाज से, तो साहब मैं समाज में कितनों के माहौल चाल रहे हैं? समाज में पार्टी के वोट भी हैं, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, अन्य के भी हैं, लेकिन हैं पार्टी समाज के अंदर भी, और समाज में मनीषा जी कम से कम 40% वोट लेके जाए, 40% जी हैं, पवन जी हैं, और अन्य निर्दलीय हैं उनका सभी पार्टी है, घूमरिया जी बोल जाएंगे ज्यादातर 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 लीड लेके जाएगी मनीषा जी, ज्यादातर मनीषा प्रधान जाएगी फिर दूसरे नंबर पे। मनीषा प्रधान जी की क्या साइलेंट वोट है, वो हल्ला करने वाला नहीं है, नहीं कि गुलागर्दी करने वाले हैं, साइलेंट वोट देते आएंगे, वोटर तो वैसे फिलहाल तो कोई भी गुंडागर्दी तो कोई भी नहीं करता है वैसे सही। नहीं वो तो साइलेंट ही है, साइलेंट के साथ वोट करेंगे मनीषा जी को, और अच्छी कॉमेसी जीता की।
अच्छी बात है। धन्यवाद।